नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक छोटा सा वीडियो जो मेरे कोर्स का पार्ट रहता है उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आता है और डिटेल में आप द्विगुणनदी नाड़ी पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो 15/7/2022 से चल रहा है। और इसकी क्लासेस जो है रात 8:30 बजे शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और रविवार यानी फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और संडे की नाइट को 8:30 पे। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं ये जो दिखाना चाहता हूँ इस चार्ट के थ्रू, ये देख सकते हैं हम कैसे इस पे, सबसे पहले देखना चाहिए कि जातक के जो एजुकेशन के योग हैं वो देश के अंदर है या देश के बाहर है यानी फॉरेन के हैं, या वो घर के जहाँ पे पैदा हुआ वहीं पर एजुकेशन लेगा या वो घर से बाहर जाके देख सकता है। देखिए, इसका जो एजुकेशन का हाउस है जो, या एजुकेशन जो मरकरी जो कारका जो हम यहाँ पर भृगु नंदी नाड़ी में ले रहे हैं, जो बुध को लेते हैं एजुकेशन का कारका, बुध जो है यहाँ पर वो मंगल के साथ बैठा हुआ है और अगले हाउस से 90% एक्सपेक्ट उसको सैटर्न की भी मिल रही है। मंगल एक प्रोफेशनल कोर्स को दिखाता है और सैटर्न और मंगल की युति एक लॉ को इंडिकेट करती है। तो इसके चार्ट में एक लॉ से संबंधित एजुकेशन दिखती है। अब इसका जुपिटर जो है जातक का बिल्कुल मरकरी के सामने बैठा हुआ है, यानी ये जातक इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट होगा। उस इंटेलिजेंस को देखने के लिए अगर हमें फर्दर देखना है कि वो उस इंटेलिजेंस का यूज घर के अंदर करेगा या घर के बाहर करेगा, वो चीज भी हमें अब देखनी है। अब देख लीजिए कि इसके चार्ट में जो जातक के चार्ट में जो जुपिटर है वो रेट्रोगेट है, और रेट्रोगेट जुपिटर जो है वो होता है तो जिस भाव में या जिस राशि में बैठा होता है वहां का रिजल्ट तो देता ही देता है। जैसे ये यहाँ पर अगर मान लीजिए एरीज राशि में बैठा हुआ है, ये यहाँ का तो रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि ये रेट्रोगेट होके पिछले घर का भी रिजल्ट देना इसकी जिम्मेवारी बनती है। तो ये यहाँ पर पाइसिस में भी चला जाएगा, और जब ये पाइसिस में चला जाता है तो इस ट्राइन के हिसाब से 4/8/12 का जो ट्राइन बन रहा है उस 4/8/12 के ट्राइन के साथ चंद्रमा के साथ इसका रिलेशन बन रहा है। जुपिटर और चंद्रमा दोस्तों जब भी किसी के चार्ट में होता है तो वो जातक जहां पर पैदा होता है उस जगह को छोड़ के ही प्रोग्रेस करता है। अब यहाँ पर क्योंकि जुपिटर बुद्धि का कारक है और चंद्रमा के साथ स्थान परिवर्तन दिखता है उसका, अच्छा वो स्थान परिवर्तन अपने कल्चर से अलग कैसे होगा, क्योंकि राहु है तो राहु फॉरेन को भी इंडिकेट करता है, या जिस कल्चर में पैदा हुआ उस कल्चर से दूसरे कल्चर को राहु दिखाता है। तो ये तो चीज हुई कि इसका स्थान परिवर्तन हुआ, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर जब चार्ट में बैठा है तो वो मरकरी के साथ भी रिलेशन बना रहा है और जुपिटर इस चार्ट में रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये इसकी प्रोजेक्शन दिखाता है कि जातक की एजुकेशन जो है वो घर से दूर हो सकती है। अब ये 19 साल की उम्र में, ये जातक 19 साल की उम्र में ये फॉरेन में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गया। वो मैं आपको बता पहले चुका हूं कि वो लॉ से संबंधित एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गया, क्योंकि सैटर्न और मार्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर ये 19वें साल में गया तो प्रोग्रेशन के थ्रू कहां पर इसका जुपिटर, इसके जुपिटर के साथ रिलेशन बना रहा है और कैसे वो हम बगैर ट्रांजिट के देख सकते हैं कि इसकी एजुकेशन में वो कैसे जुपिटर से जुपिटर रिलेशन बनाता है। प्रोग्रेशन इटसेल्फ एक टेक्निक है, जैसे चार्ट के प्रोजेक्शन दिखाता है ऐसे ही प्रोजेक्शन आपको इवेंट लाइफ की किस साल मिलेगी वो दिखाता है। तीसरा, इसी में इसी तरीके से हम ट्रांजिट भी लगाते हैं, तो आज मैं प्रोग्रेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, ट्रांजिट बता रहा हूँ। तो इस ट्रांजिट में जिस, जब ये गया उस डेट का ट्रांजिट लगाया तो सैटर्न के ऊपर जुपिटर और मार्स है, और जुपिटर यहाँ पर रेट्रोगेट होके नेटल वाला आ रहा है, तो जुपिटर का जुपिटर के साथ एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन जातक के लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ट्रांजिट का जुपिटर
और ट्रांजिट का चंद्रमा और नेटल का जुपिटर और नेटल का मून आपस में सब संबंध बना रहे हैं ट्राइन का, तो और प्रोमिनेंट हो गया। और मून के आगे यहाँ पर एजुकेशन जो है ट्रांजिट में उससे अगले हाउस में है, यानी स्थान परिवर्तन, एजुकेशन से रिलेटेड, नेम फेम के रिलेटेड ये इसको दिखाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं। तो इस जातक का 19 साल की उम्र में फॉरेन कंट्री में जाके कैसे इसने लॉ की एजुकेशन में एडमिशन लिया और वहां अपना नेम फेम किया, ये हम चार्ट की प्रोजेक्शन के द्वारा, प्रोग्रेशन के द्वारा, यानी एक पहली बात हम देख सकते हैं कि वो कैसे चार्ट की प्रोजेक्शन है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इस जातक के जीवन में अगर वो प्रोग्रेशन वाली इवेंट दिखा रही है तभी तो वो होगी प्रोग्रेशन की उस ईयर में 19 साल में। तीसरा, वो इवेंट को डबली श्योर वेरीफाई करने के लिए हम ट्रांजिट के द्वारा देख सकते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी में नेटल चार्ट का आपका प्रोजेक्शन और प्रोग्रेशन के द्वारा आपकी इवेंट का होना और उस इवेंट की स्टैंप के साथ या प्रॉमिस के साथ उस इवेंट का उस डेट में होना ट्रांजिट के द्वारा, ये तीनों चीजें मैं भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स में कराता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि कैसे वो एजुकेशन के लिए बाहर गया, एजुकेशन के कार का तो आपको बताई है, बुद्ध है यहाँ पर, कैसे उनका संबंध बना, कैसे जातक देश छोड़ के गया, क्या वो देश से वापिस भी विदेश से वापिस देश में भी आएगा और उसके लाइफ की क्या क्या इवेंट हो सकती है, तो मैं अपने कोर्स में सभी जो मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका चार्ट को लेके उनकी पास्ट इवेंट और फ्यूचर इवेंट्स की उनको प्रोडिक्शन कराना सिखाता हूँ, ताकि वो बाकी और चार्ट्स पे भी लगा के अपने फैमिली के या परिवार के चार्ट्स पे लगा के उस इवेंट्स को वो प्रोजेक्शन देख सकते हैं या पास्ट इवेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आप कह सकते हैं यूनिक वे ऑफ टीचिंग है, जिसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी जो आप अपने चार्ट पे अपनी स्किल्स को, एस्ट्रोलॉजी की स्किल्स को कैसे सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट से, सिर्फ यानी D1 चार्ट से, कोई भावचली चार्ट नहीं, कोई आपकी दशा सिस्टम नहीं, कोई आपका कह लीजिए कि डिविजनल चार्ट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका राशि चार्ट और आपकी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ट्रांजिट का योग करते हुए हम बड़ी से बड़ी इवेंट्स को बड़ी परफेक्शन के साथ इसके द्वारा भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा दिखा सकते हैं। अगर आप जैसे YouTube पर आके चैनल को देखते हैं, ये एक अपील फॉर्म में कह लीजिए, एक एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में कह लीजिए, मैं वीडियो डालता हूं। अगर आपको नहीं भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप अपने चार्ट पे इन सब चीजों को लगा के आगे सीख सकते हैं, बट डिटेल की जो चीजें हैं वो सिर्फ कोर्स में ही मिलती हैं। तो अगर आपको वो सब डिटेल में सीखना है तो आप भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।